गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिए डाउटनेट के साथ। आर्यस अग्रवाल और राकेश यादव की यहाँ पर आपको सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ सॉल्व मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यदि आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आप डाउटनेट पर जाके क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर सकते हो। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड के अंदर दे दिया जाएगा। अगर डाउट है इंडिया तो डाउटनेट करो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर आई। बहुत ही बड़ी खबर, कॉलेज परीक्षा पर मोदी सरकार का नया फैसला। अब आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपको बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ बातें वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन पूरी बातों का सच बता दूंगा। क्या वाकई के अंदर आपकी परीक्षा नहीं होगी? क्या इस बारे में केंद्र सरकार का क्या फैसला है? क्योंकि केंद्र सरकार का जो भी फैसला होता है वो हर एक राज्य को, राज्य मंत्री को मानना पड़ता है, वो शिक्षा विभाग को मानना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले। सबसे पहले आपको ये चीज़ लग जाए कि मैं हवा में बात करता हूँ, उससे पहले एक प्रूफ देख लो। छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का प्रस्ताव इलाहाबाद विश्वविद्यालय संस्थापक ने कुलपति को दिया सुझाव। देखिए दोस्तों, मैं भारत के सभी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि राजस्थान के। तो चलिए मैं कुछ और भी प्रूफ की तरफ ले चलता हूँ। बिना प्रवेश परीक्षा पीजी में एडमिशन होंगे, परीक्षा से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक राज्य की सरकार है वो अपने हिसाब से फैसला ले रही है। किसी ने इस समय जो हॉलीडे है वो कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की डिमांड है कि आप लोगों के एग्ज़ाम तो करवाने चाहिए, किसी भी हालत में करवाओ। देखिए, आपके एग्ज़ाम तो करवाना चाहिए, किसी भी हालत में करवाओ। इस बीच 3 तरह के प्रस्ताव सामने आए हैं। पहला प्रस्ताव कि आपके एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन करवा दी जाए, लेकिन ये अभी कुछ राज्यों में व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर इतने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह वगैरह नहीं मिल पा रहे। दूसरी व्यवस्था ये चल रही है कि आपको 31 मई तक ये जो अवकाश है वो करीब आपको जो अवकाश है वो 15 जून तक करवा दिया जाए। 15 जून से आपकी परीक्षा यथावत शुरू कर दी जाए और करीब 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट देके नेक्स्ट सत्र है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तीसरा प्रस्ताव यही है कि आपकी परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एंड थर्ड ईयर वालों की परीक्षा जब भी पॉसिबल हुआ तो एग्जाम करवा दिया जाए। तो ऐसे में ये चीज़ भी सुझाव आया है कि अगर उस समय एग्जाम हो सकते थर्ड ईयर के, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्यों नहीं हो सकते। इसका मतलब आपको प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है। प्रमोट की अभी तक कहीं पर भी ऑफिशियल रूप से अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आती है मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना।